बार मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, इससे पहले दो अटेम्प्ट्स में मेरा प्रारंभिक परीक्षा मतलब क्वालिफाई नहीं हो पाया। देखो एनसीईआरटी का नोट्स बना सकती है, लेकिन एनसीईआरटी अपने आप में ही नोट्स है। पीछे जो हर चैप्टर के पीछे क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं, क्वेश्चन दिए होते हैं, उनको सॉल्व कर लो, वो ही बहुत है। जब हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर सीधे उस चीज़ के लिए तैयार होते हैं तो फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। सर आपका नाम और थोड़ा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। मेरा नाम पीयूष वर्मा है, मैं बुलंदशहर जनपद का निवासी हूँ और मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो आगरा विश्वविद्यालय के धर्म समाज कॉलेज अलीगढ़ से कंप्लीट किया है। इसी कॉलेज से मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री विषय के साथ कंप्लीट किया। मीडियम सर आपका? मीडियम हिंदी मीडियम है मेरा। ऑप्शनल सब्जेक्ट सर? ज्योग्राफी। इस बार आपका कौन सा अटेम्प्ट था सर? इस बार मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, इससे पहले दो अटेम्प्ट्स में मेरा प्रारंभिक परीक्षा मतलब क्वालिफाई नहीं हो पाया। उसके बाद इस अटेम्प्ट में मुझे प्रीवी क्वालिफाई हुआ, मुख्य परीक्षा में भी सिलेक्शन हुआ, साक्षात्कार देने का मौका मिला। जी सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपका पहले दो अटेम्प्ट में जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो आपको क्या लग रहा है, मतलब आपने एक वो किया होगा, आकलन किया होगा, तो आपको क्या लग रहा था कहाँ पर आपसे गलतियाँ हो रही थी जिसकी वजह से प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा था? सबसे पहली गड़बड़ी तो ये हो रही थी कि पुराने साल के क्वेश्चन नहीं देखे जा रहे थे हम। उसके लिए हमने घटना चक्र की पब्लिकेशन जो पूर्वावलोकन वगैरह आते हैं उसको देखा, करंट पे फोकस करा थोड़ा सा, उत्तर प्रदेश स्पेशल, इन सारी चीज़ों को जब अच्छे से कर लिया और थोड़े से मॉक टेस्ट भी लगाए उसके बाद रिजल्ट आने लगा। तो जैसे करंट अफेयर के लिए आपने क्या सोर्स रखा था, करंट अफेयर कहाँ से तैयार किया था? करंट अफेयर के लिए प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन और लास्ट में एक दृष्टि की बुक आती है आँख वाली, उससे कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद पेपर्स वगैरह, न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर टाइम मिल जाता तो पढ़ लेते थे, वरना तो दैनिक जागरण चाय वगैरह पीते थे तो उसी की दुकान पे ही पढ़ लेते थे। तो कहीं आपने तैयारी वगैरह की थी, कोचिंग वगैरह ली थी या फिर सेल्फ स्टडी तैयारी? जिस समय मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन में था उस समय अलीगढ़ में तत्कालीन SDM डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा द्वारा आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के लिए सिविल सर्विस तैयारी करने के लिए एक प्लेटफॉर्म स्थापित किया गया, उससे मेरा जुड़ाव हुआ, वहीं से मेरी पूरी तैयारी हुई A से Z तक जो अभी चली रही है। उसके बाद मेंस के बारे में हम थोड़ा जानेंगे कि मेंस के लिए किस तरीके से स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मतलब कैसे जो है अपनी आंसर राइटिंग वगैरह अच्छे करनी चाहिए उसके बाद ताकि वहाँ पर आंसर अच्छे से लिख सकें। मुख्य परीक्षा के लिए कुछ नहीं, पहले पुराने साल के क्वेश्चन पेपर आप देखिए और आपके सामने सिलेबस होना चाहिए, तो सिलेबस में जो भी टॉपिक हैं उसको यूनिट बाय यूनिट या फिर टॉपिक बाय टॉपिक छोटा छोटा नोट्स बना लें और फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो है टेस्ट सीरीज लगाएं मेंस की, खुद भी पेपर बनाएं और एक अच्छा ग्रुप होना चाहिए दोस्तों का, सब लोग मिलकर सहयोग करें तो मेंस में भी ऐसा नहीं, सुधार होता ही रहता है धीरे धीरे। बाकी जैसे जो GS के चारों पेपर होते हैं तो उसकी तैयारी कैसे की जा सकती है, मतलब कहीं कोचिंग वगैरह लेके या फिर जो है खुद से जो है नोट्स वगैरह पढ़कर तैयारी कर सकते हैं, बुक वगैरह? हाँ, थोड़ा सा तो ये है, गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमको जो जिनका मैंने नाम बताया SDM डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा, तो उनका गाइडेंस रहा पूरा मेंस को लेकर। फिर कुछ मेरे दोस्त भी थे, जैसे एक SDM है गोपाल शर्मा, उन्होंने भी गाइडेंस दिया। फिर हमारे जो फ्रेंड्स वगैरह आए आपस में मिलके, उनका सहयोग था, सभी लोग मेंस भी क्वालिफाई करे, तो इस तरह से मेंस की तैयारी हुई। तो कहीं कोचिंग का नोट्स वगैरह आपने पढ़ा था या फिर स्टैंडर्ड बुक्स ही पढ़ी थी आपने? एक ये घटना चक्र वाले ने निकाले थे छोटे छोटे पब्लिकेशन टाइप, तो उनका छोटा छोटा सिनाप्सिस बना लिया था छोटा छोटा, 10-12 पेज का GS 1-2-3-4 एक पतली सी कॉपी में, तो उससे काम हो गया। उसके बाद जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि जो NCERT आती है वो बड़ा हेल्प होती है, यहाँ पे हेल्पफुल होती है, तो NCERT आपने पढ़ी थी, किस तरीके से पढ़ी? NCERT वो जब पहली बार NCERT पढ़ी तो मैंने पूरी NCERT इस तरीके से पढ़ी, फर्स्ट टू लास्ट पेज, दूसरी बार में उसे समझा। तो NCERT पढ़ने का कोई ऐसा नहीं, वो खुद में ही अपने आप ही नोट्स है, तो उसे पढ़ लें, नई नई कॉन्सेप्ट मिलेंगे, नई नई चीज़ें जानने को मिलेंगी, वो मेंस में आंसर राइटिंग को बूस्ट करने का भी काम करेगी। बाकी सर उसका जो नोट्स वगैरह बनाने के लिए सब लोग बोलते हैं कि NCERT का छोटा छोटा नोट्स बना लीजिए, तो उसका नोट्स किस तरीके से बनाना चाहिए? देखो NCERT का नोट्स बना सकते हैं, लेकिन NCERT अपने आप में ही नोट्स है, तो उसके पीछे जो हर चैप्टर के पीछे क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं, क्वेश्चन दिए होते हैं, उनको सॉल्व कर लो, वो ही बहुत है। और बाकी NCERT अच्छे से पढ़ जाए तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ती सर। और बाकी मॉक जो इंटरव्यू होता है, तो क्या आपने कहीं मॉक इंटरव्यू दिया था सर? हाँ बिल्कुल, जिस कोचिंग से मैं जुड़ा हुआ हूँ सिविल सर्विस मार्गदर्शिका अलीगढ़, तो
वहाँ सर वगैरह और भी जो सेलेक्टेड लोग हैं वो इंटरव्यू लेते थे हमारे। इसके बाद मैंने दृष्टि आईएएस पे भी मॉक इंटरव्यू दिया, जीएस वर्ड पे भी दिया, पीसीएस मंत्रा पे भी दिया, और कुछ जो हमारे फ्रेंड्स हैं जैसे मानिंदर भैया हैं वो भी इंटरव्यू लेते थे पर्सनली चार पाँच। तो आपको क्या लगता है, जैसे आपने कहीं जहाँ जहाँ कोचिंग में मॉक इंटरव्यू दिया था और अभी आप यहाँ रियल इंटरव्यू देने आए, तो क्या मतलब आपको कुछ बदलाव लगा या फिर सेम चीज़ें रही, मतलब ओवरऑल पूरा माहौल को लेकर? जब हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर सीधे उस चीज़ के लिए तैयार होते हैं तो फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। यही मॉक इंटरव्यू में प्रैक्टिस हो गई और जब फाइनली इंटरव्यू यहाँ हुआ तो वो चीज़ें सारी की सारी आसान लगने लगी, फिर इतना हार्ड नहीं लगा। सर जैसे पहली बार आप इंटरव्यू देने यहाँ पर आए हैं तो चाहे जो भी आता है तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल रहता है कि हम जाएंगे वहाँ पर इंटरव्यू देने, कैसा माहौल वहाँ पर रहेगा, बोर्ड मेंबर्स किस तरीके से बिहेव करेंगे, तो आपको क्या लगा, मतलब कैसे आपने मैनेज किया उसको सर? देखो उसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी हो गई थी जब मैं मॉक इंटरव्यू दे रहे थे, लेकिन डर तो लगता ही है थोड़ा सा, लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा शुरू में स्टार्टिंग में डर था लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है एक तरह से सामान्य होने लगी, फिर इतना कुछ प्रेशर नहीं लगा।